थोड़ा ये पापड़ी है, पापड़ी पापड़ी है। ये मसाला इसका है, स्पाइसी पटाडो है, काफ़ी सारे मतलब मिक्स करके रखा हुआ है, पेस्ट है मतलब पोटैटो और है ना चटनी का। जी जी। उसके बाद ये खजूर की मीठी चटनी है, खजूर की मीठी चटनी जा रही है। इमली की हल्की सी चटनी, थोड़ा सा चटपटे के लिए। ये स्पाइसी होती है? नहीं, इमली की होती है। इमली की चटनी है, चटपटी खट्टी मीठी चटनी है। खट्टी और नीचे ले जाएंगे, उबले हुआ चने डाल दिया हमने, उसके बाद हमने दही डाला है। ये दही है जी, प्लेन दही बनती है, किसी चीज़ की इसमें मिलावट वगैरह नहीं है, ना तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये रायता हमने डाल दिया, पुदीने धनिया मिक्स, आलू बुखारे की चटनी आ गई। आलू बुखारे की चटनी जी, मीठी चटनी है। और ये चाट मसाला, चाट मसाला जी। ये भुना हुआ जीरा है, जीरा जी, जीरा होता है उसको थोड़ा सा भुना हुआ कर लिया। ऊपर ये डाल दिया हमने सेव, सेमियन आज ऊपर दाल चना मिक्स, इस दाल चना और ये स्लिम साग है, स्लिम साग है। चेवड़ा, चेवड़ा मसाला। हमने टॉपिंग के लिए धनिया डाल दिया, धनिया डाल दिया आपने, धनिया टमाटर लेमन, और टमाटर और लेमन आपने ऊपर से ऐड कर दिया। तो ये फुल डॉटेड गप्पा राजा तैयार है हमारा। और इसकी प्राइस आपने कितनी बताई? ये है 250। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेट हुआ हुआ है गप्पा राजा। चलिए हम इसको ट्राई करते, पापड़ी डाली ठीक है, हमने इसमें खजूर की चटनी डाली, खजूर की चटनी। अब इसने डाली इमली की चटनी, इमली खट्टी मीठी चटनी। हम डालेंगे चने आलू, चने आलू, चने आलू बॉयल, चने आलू है जी। हम डालेंगे इसके ऊपर प्योर दही, मीठी दही है। और ये आलू बुखारे की चटनी जी, ये इसके ऊपर रायता आ गया, रायता आ गया इसके ऊपर, ये सफ़ेद जीरा है, ये भी चाट मसाला हमारा, चाट मसाला अब खुद मैरिनेट करते हैं मतलब ये, और ये हल्का सा नमक टमाटर आ गया, टमाटर रख दिया, हरा धनिया, और ये हरा धनिया ऊपर से छिड़क दिया। तो ये हमारी मीठी पानी पूरी तैयार है। सबसे पहले आपने क्या ऐड किया?
पापड़ी डाली उसके बाद आलू चने मिक्स डाले खजूर डालते हैं और फिर चटनी डालते हैं। ये मीठ खजूर की चटनी मीठी चटनी है जी। ये आलू बुखारे की रहता है जी हाँ। एक अच्छी बात है कि प्रॉपर तरीके से एक एक इंग्रेडिएंट हर चीज़ में डाले जा रहे हैं जी जी। अब मैं सैलड डालूँ? सैलड डालने से प्याज और धनिया इसमें प्याज धनिया टमाटर भी है। अरे अच्छा क्रंच की पापड़ी ऊपर वापसी डालेंगे जी। पापड़ी वापसी सर आपके पार्सल है दही बड़े का मसाला है तैयार है हमारी हाँ तैयार है इसकी तस्वीर भी ले लेना स्पेशल मीठे गोलगप्पे तैयार है यार ऊपर देख ले वालेकुम अस्सलाम भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम मलिक नबी है। हाँ मलिक भाई मुझे बताएंगे कितने टाइम से आपकी शॉप है? मेरी तकरीबन 11 साल हो गए। माशाल्लाह 11 साल हो गए आपकी शॉप को। और कौन कौन से आपके पास आइटम कौन कौन से होते हैं आपके पास? पहले मिक्स चाट होती है, स्पेशल गोलगप्पे हैं, स्पेशल मीठी पापड़ी पूरी है और स्पेशल भंगारे दही बड़े हैं और स्वीट एंड सॉर्ट दही बड़े हैं और अभी हमने नया एक स्टार्ट किया है गोलगप्पों का राजा गप्पा राजा और स्पाइसी ब्रेड। माशाल्लाह इतनी सारी आइटम्स होती हैं आपके पास तो लोग कौन से पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? आपकी चलने वाली आइटम कौन सी है इस वक्त? तो गप्पा राजा छाया हुआ है, गोलगप्पों का राजा गप्पा राजा बहुत छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों पर। जो आता है वो कहता है हमें गप्पा राजा चाहिए गप्पा राजा चाहिए, तो गप्पा राजा का बहुत ज़्यादा टेंशन। और इसकी प्राइस वगैरह? 250 का है। 250 का है जी। तमाम चीज़ें मेरे घर पे तैयार होती हैं, मेरी फैमिली जो हैं वो काम करती हैं, जितने भी मेरे घर की लेडीज़ हैं तमाम भी ये लोग तैयार करती हैं, सॉसेस वगैरह चने आलू दही बड़े A to Z जो भी चीज़ें ना वो तमाम चीज़ें मेरे घर में तैयार। अच्छा मतलब होममेड सब सब चीज़ें तैयार होती हैं। सॉसेस वगैरह भी आप लोग खुद बनाते हैं? जी सारी चटनियाँ वगैरह खजूर की आलू बुखारे की सब चीज़ें हमारे घर पर तैयार होती हैं। और सर्दियों में सूप आ जाता है कॉर्न सूप वगैरह ये हमारे पास आ जाता है और गर्मियों के हिसाब से गोला गंडा लिमका आइसक्रीम फालूदा कुल्फी फालूदा ये तमाम चीज़ें हमारे पास मतलब हर चीज़ आपके पास मौजूद है मतलब स्नैक्स से लेके हर चीज़ सूप वगैरह बहुत सी चीज़ें मतलब आपके पास हैं। तो साथ साथ मुझे यहाँ की लोकेशन बता देंगे? मेन मस्कन चौरंगी गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 ग्रे शॉपिंग मॉल मनपसंद फूड वैली। मनपसंद फूड वैली ठीक है बहुत शुक्रिया।